एक दिग्गज कंपनी गूगल ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है, यानी अब इस ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। भारत में टिकटॉक का एक काफी बड़ा बाजार है और गूगल से संचालित होने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तादाद भी ज्यादा है। फिलहाल iOS से ऐप हटाए जाने की जानकारी नहीं मिली है। हाल ही में कोर्ट ने केंद्र सरकार से टिकटॉक ऐप को बैन लगाने के लिए कहा था। बैन करने की वजह बताई गई थी, ये ऐप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बढ़ावा देता है। चीन की कंपनी बाइट डांस टेक्नोलॉजी ने कोर्ट से टिकटॉक ऐप पर से बैन खत्म करने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद ही गूगल ने ऐप को हटाने का फैसला किया। फिलहाल गूगल ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को टिकटॉक पर बैन लगाने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि टिकटॉक ऐप पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और ये बच्चों में यौन हिंसा भी बढ़ा रहा है। कोर्ट द्वारा टिकटॉक को बैन करने का फैसला एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद लिया गया है। आई मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार केंद्र ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एप्पल और गूगल को ऐप बैन करने के लिए लेटर लिखा था। सरकार ने लेटर में गूगल और एप्पल को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा था। मंगलवार देर रात तक iOS पर ऐप मौजूद रहा, जबकि गूगल प्ले स्टोर से ऐप को हटा चुका था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इसी दौरान ऐप को लेकर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार भी कर दिया था। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल।